चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। जैसा कि हम बार बार आपसे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी की पूरी बायो को आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना है। लगभग हर दिन मैं ये बात बोलता हूँ, बहुत बाहरी सवाल करने पे मत जाइए, और अगर बाहरी सवाल नहीं हो रहे हो तो उस पर आपको बहुत परेशान होने की भी जरूरत नहीं। परेशान आप तब हुए जब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहां सबसे पहले कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं जिनको आप ह्यूमन हेल्थ और डिजीज पढ़ने के पहले आपको बिल्कुल जानना जरूरी है। जैसे पहला हेल्थ, तो मेरे ख्याल से हेल्थ की डेफिनेशन सारे बच्चों को पता हो। WHO के हिसाब से जो भी हेल्थ की डेफिनेशन है वो आपके ख्याल में रखनी चाहिए। इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। व्हाट इज हेल्थ? अकॉर्डिंग टू WHO इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये डेफिनेशन WHO की है। और दो तीन बातें यहां और ख्यालों में रहें। हेल्थ डज नॉट सिंपली मींस एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। ये लाइनें हैं आपकी किताब की कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मींस एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। यानी आपको बीमारी नहीं है, आप फिजिकली फिट हैं। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। दूसरी लाइन का मतलब ये है कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मींस एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। और तीसरी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पर्सनल हाइजीन। ये तीन बातें हैं, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पर्सनल हाइजीन। ये तीन बातें जरूरी हैं अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। दीज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो जब आप हेल्थ पढ़ने जा रहे हैं तो ये शुरुआती तीन बातें आपको पहले आपके मेमोरी में रहे। इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। दूसरी बात, हेल्थ डज नॉट सिंपली मींस एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस। और तीसरी बात, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड पर्सनल हाइजीन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। और आप एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है कि चैट फैकल्टी पे करें, और जब बहुत जरूरी हो तभी चैट करें बेटा, टाइम कम होता है। और इसमें आप ये कोशिश करिए कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा वेरिएबल है उन इंफॉर्मेशन को हम दे पाए। तो एक बार पूरा टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन करने का भी मजा आता है। और मुझे लगता है कि हम पूरी बात पढ़ा देंगे तो आपके दिमाग में कोई संदेह नहीं रहेगा। हेल्थ के बाद फिर आप आइए डिजीज पे। डिजीज क्या है? जैसे आप कहते हो कि हम आज बीमार हो गए, आज हमें बुखार हो गया, तो आज हम बीमार हो गए, आज हमें बुखार हो गया, यानी जो हमारी नॉर्मल बॉडी की जो स्टेटस है, जो नॉर्मल स्टेट है, उसमें कहीं कोई डेविएशन हो गया। तो बॉडी की नॉर्मल स्टेटस में चेंज हुआ, कोई डेविएशन हुआ और उस वजह से हमको डिस्कम्फर्ट हुआ, इसको कहते हैं डिजीज। तो डिजीज को कैसे डिफाइन करोगे? एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट व्हिच कॉजेस डिस्कम्फर्ट टू बॉडी। एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी व्हिच कॉजेस डिस्कम्फर्ट टू बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। और अगली बात यहां पर पैथोजन है। जो भी एजेंट डिजीज काज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कुछ भी है, तो डिजीज काजिंग एजेंट को पैथोजन कहते हैं। आप पैथोलॉजी में जाते हैं टेस्ट कराने, बीमारी का पता कराने ही जाते हैं, तो डिजीज काजिंग एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। एजेंट कोई भी हो सकता है। तो डिजीज काजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन। और तीसरी बात इसमें एपिडेमियोलॉजी। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना को क्या है, कोरोना को एपिडेमिक डिजीज घोषित किया गया है। इन्फेक्टिव डिजीज जब बहुत तेजी से फैलने लगती है तब उसको एपिडेमिक कहा जाता है। स्टडी ऑफ एपिडेमिक डिजीज। इन्फेक्टिव डिजीज जब बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगती है तभी उनको एपिडेमिक नाम दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज एपिडेमिक हो सकती है, लेकिन सारी एपिडेमिक इन्फेक्टिव है ये भी हो सकता है। तो सारी, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें, वो
कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज एपिडेमिक हो सकती है, ये बात ध्यान रखें। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज स्टडी ऑफ एपिडेमिक, और अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो इन्फेक्टिव डिजीज। इसके बाद एक शब्द और आपके लिए है, प्रोफाइलैक्सिस। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, आप बीमार होकर के डॉक्टर के यहाँ जाते हो, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि भाई देखो ये दवा है, ये तो आपका इलाज है, लेकिन आप ये करो या ना करो। जैसे वो कहेंगे आप साफ पानी पियो, आप वैक्सीन आपने लगवाई है कि नहीं लगवाई है, कोई बीमारी है तो उसके लिए वैक्सीन आपको बचपन में लगी कि नहीं। तो डॉक्टर बीमारी ना हो इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर बताता है, बीमारी हो गई तब तो आप इलाज करते हो, बीमारी ना हो इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर है, इसके लिए जो सेफ्टी मेजर है, उन्हीं को आप कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस। तो प्रोफाइलैक्सिस क्या है, इट इज प्रिवेंटिव मेजर, इट इज सेफ्टी मेजर अगेंस्ट डिजीज। जैसे डॉक्टर ने कहा आप उबला पानी पिए, या तो इसको इसमें आता है, ये प्रिवेंटिव मेजर में आता है, सेफ्टी मेजर में आता है, प्रोफाइलैक्सिस उसी को कहते हैं। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर और है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, कुछ बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड भी आपसे पूछा जाता है, आपके कोर्स में तो ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं कहीं आप जब एड्स पढ़ते हो तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड जरूर आपसे पूछा गया है, और एनसीईआरटी में लिखा भी है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। हमारी आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन जब आएगा तो ये कोई जरूरी नहीं कि तुरंत सिम्टम पैदा कर दे। सिम्टम एक घंटे में भी पैदा हो सकता है, दो घंटे में भी पैदा हो सकता है, एक महीने में पैदा हो सकता है, एक साल में पैदा हो सकता है डिजीज के हिसाब से। तो एंट्री ऑफ पैथोजन और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, जो लक्षण आ रहे हैं उनके बीच का जो गैप है, जो टाइम है, उसी को आप कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे उदाहरण आप लीजिए, एड्स का आप इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ते हो, आप उसमें लिखते हो फ्यू मंथ टू मेनी ईयर, और यूजुअली 5 to 10 ईयर। यानी एचआईवी आज किसी के बॉडी में आया है तो उसको उसके सिम्टम आने में कुछ महीनों से कई सालों तक लग सकते हैं। किताब आपकी पहले यही लिखती है एनसीईआरटी, फ्यू मंथ टू मेनी ईयर, फिर वो ब्रैकेट में लिखती है यूजुअली 5 to 10 ईयर। बोर्ड क्लियर शायद अब दिख रहा है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपके यहाँ कोई दिक्कत हो रही है, अच्छा कर रहा है बोर्ड क्लियर। और तो इतनी सारी डेफिनेशन है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज को पढ़ने के पहले, ये सारी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, हेल्थ, डिजीज, पैथोजन, एपिडेमियोलॉजी, प्रोफाइलैक्सिस और इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद आइए आप डिजीज के क्लासिफिकेशन पे। तो जब आप डिजीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो तरह की डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ध्यान रखें, कम्युनिकेबल को ही कॉन्टेजियस या इन्फेक्टिव बोला जाता है, कम्युनिकेबल को ही आप कॉन्टेजियस। जैसे सवाल पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉन्टेजियस, तो पता चला कि कॉन्टेजियस शब्द का मतलब भी आपको नहीं पता है। कम्युनिकेबल कहा जाए, कॉन्टेजियस कहा जाए, इन्फेक्टिव कहा जाए, तीनों एक है। और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जब आप अपनी किताब खोलते हैं तो इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज में आप इतनी डिजीज पढ़ते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल और हेलमेंथ्री। अब इसमें एक एक करके हम लेंगे। पहला है बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल में आपके कोर्स में, वैसे तो बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, बट आपके कोर्स में, और आपके कोर्स का मतलब एनसीईआरटी में, कितनी बैक्टीरियल डिजीज, कहीं कहीं यहां से सवाल आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, या उसी को ब्लैक डेथ कहते हैं, निमोनिया, टाइफाइड, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहां ध्यान रखें, दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज या फंगल डिजीज या प्रोटोजोअल डिजीज। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये पढ़ते पढ़ते हम आपको बताएंगे। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज या वायरल डिजीज या प्रोटोजोअल डिजीज, तो उसका जवाब अलग होगा, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस से भी होती है, प्रोटोजोआ भी, प्रोटोजोअल भी होती है।
तो यहाँ क्वेश्चन करते समय ध्यान दें कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, कि वो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या वो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल वायरल या फंगल डिजीज। तो बैक्टीरियल में पहला है ट्यूबरकुलोसिस या कॉक्स। हर बीमारी के बारे में आपको उसका कास्टिव एजेंट पढ़ना है। अब ये तो क्लियर है कि बैक्टीरियल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सारे कास्टिव एजेंट बैक्टीरिया ही होंगे। तो आपको कास्टिव एजेंट पढ़ना है, उसके सिम्टम पढ़ने हैं, और अगर एनसीईआरटी में कोई नाम दिया हुआ है टेस्ट, तो वो टेस्ट वाला नाम आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। तो पहला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का जो कास्टिव एजेंट है, सीए मतलब कास्टिव एजेंट, इसको कौन पैदा करता है, ये है माइकोबैक्टीरियम। तो ट्यूबरकुलोसिस का कास्टिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसके सिम्टम, तो इसके सिम्टम आप ध्यान दें, किसी देखिए टीबी कई तरह की होती है, पल्मोनरी टीबी होती है, स्किन में टीबी होती है, बोन में टीबी होती है, आंत की टीबी होती है, इंटेस्टाइन टीबी बहुत तरह की होती है, लेकिन आपसे जिस टीबी का जिक्र किया जाता है, जिस टीबी के सिम्टम आपसे एम्स तक में पूछे गए हैं, वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, यानी फेफड़े वाली टीबी, बाकी सारे टीबी आपसे कोर्स में नहीं है, वो पूछे नहीं जाते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस कोई भी हो, उसका कास्टिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसके सिम्टम क्या होंगे, किसी को भी, जिस भी पेशेंट को टीबी के है, उसको क्या, अच्छा कोई बच्चा कह रहा है सर टुडे माय बर्थडे, तो खलीफा जी मैं आपको विशेष करता हूं हैप्पी बर्थडे, और आपके बर्थडे पे मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और आप सिलेक्शन लेंगे। कास्टिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसके सिम्टम क्या है, किसी को भी टीबी होगी, चाहे वो कोई भी टीबी हो, तो उसको पूरे दिन 24 घंटे लो ग्रेड फीवर होगा, हल्का हल्का बुखार 99-100 के आसपास बना रहेगा, और ये बुखार शाम को बढ़ेगा, इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर, और रात में ऐसे पेशेंट को पसीना आता है। तो पल्मोनरी टीबी का या किसी भी टीबी में जो सिम्टम नजर आएंगे, वो लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर और नाइट स्वेटिंग, यानी हल्का सा बुखार, रात में वो, शाम को बुखार बढ़ जाएगा, इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर वो 101-102 हो जाएगा, 103 हो सकता है, और रात में ऐसे पेशेंट को स्वेटिंग होगी। किसी भी तरह की टीबी में ये दो सिम्टम आएंगे, लेकिन अगर पल्मोनरी टीबी है, फेफड़े की टीबी है, जो आपसे पूछी जाती है, तो पल्मोनरी टीबी में कफिंग होगी, खांसी आएगी, चेस्ट पेन होगा, और सांस भी फूल सकती है, डिस्निया भी हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकती है, और ऐसा पेशेंट जब खांसता है तो जो स्पुटम आता है, जो बलगम निकलता है, उसमें ब्लड भी आता है। तो अगर ब्लड विद स्पुटम, इसको कहते हैं हीमोफिसिस, इसको हीमोफिसिस कहा जाता है। अगर कफ के साथ ब्लड आ रहा है, स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा है, तो उसको आप कहते हैं हीमोटाइसिस। तो ये टीबी का, पल्मोनरी टीबी के लिए स्पेशली आप ध्यान में रखें, लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर एंड नाइट स्वेटिंग, कफिंग होगा, चेस्ट पेन होगा, और हीमोक्रिसिस, हीमोक्रिसिस मतलब कफ विद ब्लड। और टीबी के लिए आप टेस्ट भी याद रखें, मांटुअक्स टेस्ट, मांटुअक्स टेस्ट जो टेस्ट होता है, वो मांटुअक्स टेस्ट होता है। तो टीबी के लिए इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रहे। उसके बाद दूसरी बीमारी आई है प्लेग। यहां से एनसीईआरटी ने सवाल पूछा है, प्लेग या ब्लैक डेथ इसी को कहा जाता है, प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहते हैं, चाहे आप प्लेग कहें चाहे ब्लैक डेथ कहें, दोनों एक बातें हैं। इसका जो कास्टिव एजेंट है वो है पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस। अभी 4-5 साल पहले आईपीएमटी में सवाल आया था, 2016 में शायद, नीट का ये, इसको यार्सिनिया पेस्टिस भी कहा जाता है। तो पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सिनिया पेस्टिस, इसका कास्टिव एजेंट है, यानी इसके लिए कौन बैक्टीरिया जिम्मेदार है। और दूसरे पॉइंट, इसके सिम्टम। तो ये बैक्टीरिया
लिम्फ नोड पे अटैक करता है। लिम्फ नोड, आपने लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड पड़े हैं, लिम्फ नोड जिनको टॉन्सिल कहा जाता है, आपके गले में भी है, तमाम यहाँ एक्जिलरी रीजन में बहुत सारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड है। तो ये बैक्टीरिया मेनली इसका हैबिटेट ही है लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड को इन्फेक्ट करता है और लिम्फ नोड को इन्फेक्ट करेगा तो आपको पता है आपकी इम्यूनिटी बहुत तेजी से कम होगी। तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है जगह जगह पे और पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग होगी, पेन होगा, हाई फीवर होगा। और ये प्लेग पहले 100 साल पहले, अभी जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है वैसे 100 ईयर पहले ये भी बहुत ज्यादा फैला हुआ था और बहुत सारे लोगों की जान गई। तो प्लेग में सिर्फ इतनी बात डाल रहा है, इसके लिए नाम के लिए कोई टेस्ट नहीं है। तो प्लेग में सिर्फ इतनी बात, कास्टिवेजन पास्टुरेला पेस्टिस, अब इसको कहते हैं आर्सिनिया पेस्टिस, और सिम्टम में हाई फीवर एंड पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। जितने क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं हम सबका जवाब देंगे। मैंने पहले आपसे कह दिया कि प्लीज चैट बहुत जरूरी होने पे करें, अभी बाद में हम आपको टाइम देते हैं, पहले पढ़ें। तीसरी बीमारी है निमोनिया। निमोनिया का कास्टिव एजेंट यहाँ पर दो दिए हैं आपकी किताब में, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा दिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। वेरी इंपॉर्टेंट, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और यहां आपको ध्यान देना है निमोनिया के सिम्टम। तो निमोनिया के सिम्टम में अच्छी तरह से आपको पता है हाई फीवर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई फीवर होता है, कफिंग होगी, चेस्ट पेन होगा और सफोकेशन होता है, बहुत ज्यादा दम घुटता है, बहुत ज्यादा ये बच्चों में बीमारी होती है। अक्सर आप डॉक्टर बनेंगे तो सुनेंगे फला बच्चे को या फला को निमोनिया, हम ये नहीं कर रहे, बड़ों में नहीं होती, बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। तो निमोनिया के लिए इतने पॉइंट, कास्टिव एजेंट वेरी इंपॉर्टेंट और सिम्टम हाई फीवर कफिंग चेस्ट पेन और सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब दम घुटता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये ध्यान रखें। निमोनिया के बाद नेक्स्ट डिजीज आती है टाइफाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कास्टिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी, इसको टाइफस भी कहते हैं। तो टाइफाइड का कास्टिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी, इसको टाइफस भी बोला जाता है। और टाइफाइड ध्यान रखना इसका मोड ऑफ इंफेक्शन बैक्टीरिया तो ही है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, मेनली ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है। अक्सर क्या होता है, अभी अब गर्मी है, गर्मी में आपने इधर उधर का पानी पी लिया कहीं पर भी उल्टा सीधा, तो अक्सर उससे ये टाइफाइड ज्यादा फैलता है। तो कास्टिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी या उसी को आप टाइफस कहते हैं। और इसका सिम्टम ध्यान दें, टाइफाइड के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, वो सिम्टम ध्यान दें जो आपकी किताब में लिखे हुए। एक तो हाई फीवर 39-40 डिग्री सेल्सियस, इसके आसपास एनसीईआरटी में 39-40 लिखा हुआ है, तो एक तो हाई फीवर होगा। और अक्सर आपने देखा होगा जब किसी को, अगर आप में से किसी भी बच्चे को खुदा न करे टाइफाइड हुआ हो, तो डॉक्टर कहता है आप हर घंटे पे या सुबह दोपहर शाम या हर 2 घंटे पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करिए, तो फीवर धीरे धीरे बढ़ता भी जाता है। तो एक एनसीईआरटी में जो लिखा है, एक हाई फीवर, और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो स्लो पल्स। इस बात का ध्यान रखना, आप डॉक्टर बनोगे तो आप देखोगे ज्यादातर जब बुखार बढ़ता है, ज्यादातर बीमारियों में जब बुखार बढ़ता है तो पल्स रेट बढ़ जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब बुखार है, तो डॉक्टर आपका पल्स देखता है। तो 1 डिग्री बुखार बढ़ने पे करीब हम ये कह सकते हैं अगर 10 पल्स रेट बढ़ रही है, तो नॉर्मल आपकी पल्स रेट है 70 से 75, अगर 10 बढ़ रही है तो डॉक्टर को यह समझ में आ जाता है कि 1 डिग्री बुखार बढ़ गया इसका, यानी 10 पल्स रेट बढ़ती है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन ये ऐसा बुखार है टाइफाइड, इसको ध्यान रखना, टाइफाइड फीवर को इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं या इसी को एंटरिक फीवर भी कहा जाता है, ये नाम आप ध्यान रखें, क्योंकि इसका बैक्टीरिया कहाँ, इसके बैक्टीरिया का हैबिटेट कहाँ है, ये बैक्टीरिया किस जगह में जाकर के बैठता है, इंटेस्टाइन में आपके बैठता है, तो इसीलिए टाइफाइड फीवर को इंटेस्टाइनल फीवर भी कहा जाता है या इसी को एंटरिक
इंट्रिक का मतलब, एंट्रान का मतलब भी होता है इंटेस्टाइन। कास्टिवेजेंट साल्मोनेला टाइपी मोड ऑफ इंफेक्शन आपने देख लिया, यही है। कैसे फैलता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड से, मोस्टली ये कॉन्टामिनेटेड वाटर से फैलता है। और सिम्टम हम आपको बता रहे हैं हाई फीवर, और यहाँ पल्स स्लो हो जाती है ज्यादातर। मैंने अभी अभी बताया कि जब बुखार बढ़ता है तो पल्स फास्ट हो जाती है, लेकिन ये ऐसा बुखार है कि यहाँ बुखार बढ़ने के साथ साथ जो पल्स रेट है वो कम हो जाती है। तो हाई फीवर स्लो पल्स, ये सवाल AI20 पूछ चुकी है। हाई फीवर स्लो पल्स एंड डेलेरियम, ये तीन क्वेश्चन को AI20 ने पूछा कि हाई फीवर, स्लो पल्स और डेलेरियम, ये किसका सिम्टम है। डेलेरियम का मतलब आदमी को जब बुखार बहुत ज्यादा होता है तो आदमी कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है। डेलेरियम को हिंदी में कहते हैं प्रलाप। प्रलाप का मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है और उसको ये पता नहीं होता कि हम बोल क्या रहे, इसको कहते हैं डेलेरियम। और लेकिन एक बात और आपकी किताब में लिखी है, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी होते हैं, क्योंकि इसका बैक्टीरिया कहाँ बैठता है, आंतों में बैठता है। तो सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होते हैं और डेथ भी हो सकती है। तो ये जरूर NCERT में लिखा है कि हाई फीवर यानी 39-40 के आसपास। हम दो चीजें आपको बताएं जो एग्जामिनेशन बेस्ड है, हाई फीवर स्लो पल्स डेलेरियम और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, आंत में घाव हो सकता है एंड डेथ में आकर इन सीवियर केसेस। ये टाइफाइड है। इसके बाद अगला, हमने अभी अभी आपको बताया कि चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे प्रोटोजोअल हो, सब में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में दो बीमारी यहां पर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज। देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारी होती है। अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले टॉपिक में जाए, वहां पर मैंने नहीं बताया था क्योंकि मुझे डिजीज यहाँ पढ़ाना है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को उन्होंने एक लाइन से वहां पर लिख दिया है। जैसे आप बैक्टीरियल में तो सिफिलिस और गोनोरिया, आप वायरल में जाएं तो हिपेटाइटिस बी, एड्स और हर्पीस, ये भी तीनों लिखे हुए हैं। तो सिफिलिस है, गोनोरिया है, हिपेटाइटिस बी है, एड्स है, हर्पीज है, ट्राइकोमोनियसिस है, क्लेमाइडियासिस है, इतनी बीमारियां NCERT में लिखी है। दीज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ध्यान रखना, सिफिलिस, गोनोरिया, HIV यानी एड्स, हिपेटाइटिस बी, हर्पीज, जेनाइटल वार्ट, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस को वेजाइनाइटिस भी कहते हैं। इतनी बातें आपके किताब में लिखी हैं, इतना आपको ख्याल है कि ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो एक सवाल तो ये पूरा हो गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, लेकिन अब दूसरा सवाल आपके सामने आएगा कि कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल है, कौन वायरल है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज में दो आते हैं, सिफिलिस और गोनोरिया। सिफिलिस और गोनोरिया, सिफिलिस का जो कास्टिव एजेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये बैक्टीरिया है सिफिलिस का। और ध्यान रखना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। आपने किसी डॉक्टर का, अगर आप किसी स्किन के डॉक्टर के पास गए होंगे या गए नहीं होंगे तो आपने उसके बोर्ड पे ख्याल किया होगा, तो बोर्ड पे लिखा रहता है स्किन एंड बीडी केयर। तो बीडी का मतलब वेनेरियल डिजीज, ये पिछले टेस्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, वो इशू नहीं हम आपको बता रहे हैं, एक आध क्वेश्चन कभी इधर उधर हो ही जाता है। तो वेनेरियल डिजीज जो बीडी केयर लिखा रहता है, स्किन एंड बीडी केयर मतलब वो स्किन का स्पेशलिस्ट है और वेनेरियल डिजीज का वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है। तो वेनेरियल डिजीज का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ध्यान रखिएगा। तो चाहे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहो, चाहे वेनेरियल डिजीज कहो, तो यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरियल डिजीज कौन कौन है। तो बैक्टीरियल में सिफिलिस और गोनोरिया, सिफिलिस का कास्टिव एजेंट ट्रिपोनीमा पैलिडम, और इसका एक बहुत बढ़िया सिम्टम, ध्यान रखना, अब मोड ऑफ इन्फेक्शन हमें नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है
तो इनका मोड ऑफ इंफेक्शन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है। अगर मेल पार्टनर को है बीमारी तो फीमेल को होगा, फीमेल पार्टनर को है तो मेल को होगा। तो मोड ऑफ इंफेक्शन अंडरस्टूड है कि मोड ऑफ इंफेक्शन इसका क्या है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। और ये बहुत डेंजरस बीमारियां हैं, अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं हुई तो इलाज बड़ा मुश्किल होता है। सिफिलिस का जो सिम्टम है उसमें क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स पर हार्ड लिजन आते हैं, बिल्कुल कड़े कड़े दाने जैसे आ जाते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स पे हार्ड लिजन आते हैं। और इन हार्ड लिजन को कहा जाता है बेटा सैंकर। सैंकर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जेनाइटल ऑर्गन्स पर हार्ड लिजन आते हैं और उन हार्ड लिजन्स को कहते हैं सैंकर। और उसके बाद फिर उसमें क्या होता है, उसमें पस आ जाएगा और वो फिर इंफेक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो जाएगा पूरे जेनाइटल ऑर्गन्स, बहुत सीवियर इंफेक्शन हो जाता है। तो ये सिफिलिस का सिम्टम है। और उसके बाद गोनोरिया, गोनोरिया का जो कास्टिव एजेंट है वो है नीसेरिया गोनोरी। गोनोरिया का कास्टिव एजेंट है नीसेरिया गोनोरी। ये ध्यान रखें कि सिफिलिस, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिफिलिस और गोनोरिया का हम डिवीजन नहीं कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, बट सिफिलिस ज्यादा मेल में होता है, गोनोरिया ज्यादा फीमेल में होता है, और मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल पार्टनर में ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये दोनों के लिए है, बट ज्यादा किसमें होता है, अगर इस तरह का डिवीजन करने चलेंगे तो ये ध्यान में रहे। तो गोनोरिया का कास्टिव एजेंट नीसेरिया गोनोरी है। यहां पर भी क्या होता है, यहाँ वेजाइना में इचिंग होती है, जेनिटल ऑर्गन्स में इचिंग होती है, पस डिस्चार्ज होता है, बर्निंग यूरिनेशन होता है, यूरिनेशन में बहुत ज्यादा जलन होता है। तो ये सब गोनोरिया के सिम्टम है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनेरियल डिजीज, इनके लिए जो टेस्ट आपसे पूछा जाता है वो ध्यान में रखें, बीडीआरएल टेस्ट। कभी कभी बीडीआरएल का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। बीडीआरएल का मतलब वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, यही आपके कोर्स में है। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे सिफिलिस के लिए टीपीआई भी होता है, ट्रिपैनोमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है। आपको सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट अप्लीकेबल है, बीडीआरएल यानी वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, सिर्फ आपको इतना ख्याल रखना है। और एक लास्ट डिजीज बैक्टीरियल में है डिसेंट्री। थोड़ा सा हम इधर आपका ख्याल ध्यान खींचना चाहेंगे, आप बहुत ध्यान से सुने, आपके लगभग हर बात का जवाब हम यहाँ पढ़ाने में देने कोशिश करें। एनसीईआरटी ने केवल डिसेंट्री लिखा है, एनसीईआरटी ने केवल डिसेंट्री लिखा है और डिसेंट्री का सिम्टम लिख दिया है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि डिसेंट्री बैक्टीरियल भी होती है और डिसेंट्री प्रोटोजोअल भी होती है। तो यहां हम बैक्टीरियल डिसेंट्री की बात कर रहे हैं। ये जो बैक्टीरियल डिसेंट्री है इसका कास्टिव एजेंट है सिगेला, वेरी इंपॉर्टेंट, एपीएमटी का सवाल है, वहां भले ने लिखा हो। डिसेंट्री दो तरह की होती है, बैक्टीरियल और वायरल। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप कंप्लेंट करते हो, डॉक्टर साहब हमारे पेट में क्रैम्प हो रहे हैं, बड़ा मरोड़ हो रहा है, बड़ी ऐठन हो रही है, और ऐठन के बाद हमें मोशन की टेंडेंसी होती है। अब लूज मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है, ये अलग बात है। डिसेंट्री और डायरिया में फर्क होता है, ध्यान रखना, डायरिया इज वाटरी लूज मोशन, डिसेंट्री में कहीं वाटरी लूज मोशन नहीं होता। डिसेंट्री एंड डायरिया ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। डायरिया मीन्स वाटरी लूज मोशन, आप डाइजेशन में पढ़े होंगे या हम पढ़ाएंगे आपको। डिसेंट्री में क्या होता है, पेट में मरोड़ होता है, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, रुक रुक करके ऐंठन होते हैं, और जो भी पेशेंट होता है उसको मोशन की, उसको टॉयलेट की टेंडेंसी फील होती है। तो जो बैचलरी डिसेंट्री है, ये जो हम डिसेंट्री बोल रहे हैं वास्तव में बैचलरी डिसेंट्री, ये अमीबिक डिसेंट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में केवल डिसेंट्री के नाम से दिया गया है, लेकिन डिसेंट्री आप डॉक्टर बनते हो तो दो तरह की होती है, बैचलरी और अमीबिक, आप अपनी डॉक्टरी में देखेंगे। तो जो बैचलरी डिसेंट्री है उसका कास्टिव एजेंट सिगेला है, और सिम्टम हमने आपको बता दिए। सिम्टम क्या होगा, पेट में क्रैम्प्स होंगे, रह रह करके मरोड़ होगा, ऐंठन होगा, मोशन की टेंडेंसी होगी। और यहां पर जो स्टूल आता है उसमें म्यूकस होता है, म्यूकस होता है, और उसमें ब्लड भी होता है। और बैचलरी डिसेंट्री की पहचान है उसमें ब्लड ज्यादा आएगा,
अमीबिक डिसेंट्री की पहचान है कि उसमें ब्लड आएगा, इस पार्ट के रूप में ब्लड आ सकता है। एनसीईआरटी ने अमीबिक और बैसिलरी को डिवाइड नहीं किया है, इसलिए उन्होंने मिक्स सिम्टम लिख दिया है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देयर इज डिफरेंस इन अमीबिक एंड बैसिलरी। आप डॉक्टर बनोगे तो आपको ये डिफरेंस क्रिएट करना होगा, वही अमीबिक है कि बैसिलरी, और तभी आप ठीक से इलाज कर पाओगे। तो बैसिलरी डिसेंट्री का जो सिम्टम है वो पेट में मरोड़ होगा, यानी क्रैम्स होंगे, रुक रुक करके ऐंठन होंगे, मोशन की टेंडेंसी होगी, म्यूकस ज्यादा आएगा और ब्लीडिंग ज्यादा होगी, स्टूल के साथ ब्लड ज्यादा निकलेगा बैसिलरी में, और प्लस फीवर भी आएगा क्योंकि बैक्टीरियल है तो फीवर भी हो सकता है, निश्चित रूप से फीवर आएगा। अमीबिक डिसेंट्री में फीवर की गुंजाइश बहुत कम होती है, हम आगे प्रोटोजोअल डिजीज में अमीबिक डिसेंट्री आपको पढ़ाएंगे। तो बैक्टीरियल डिजीज में जितना आपके कोर्स में है उतना हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाहर कोई चीज पूछी नहीं जाती है। तो बैक्टीरियल डिजीज में इतनी डिजीज पे फोकस करें, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को कॉक्स भी कहते हैं, कॉक्स, जैसे किसी को पल्मोनरी टीबी है तो उसको कॉक्स भी बोला जाता है, KOCH, इस पर रॉबर्ट कॉक ने काम किया था जो कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। इसके बाद प्लेग, निमोनिया, टाइफाइड और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज में सिफिलिस और गोनोरिया, और फिर हमने आपको बताया बैसिलरी डिसेंट्री। हमने बार बार आपको इंडिकेट किया है कि एनसीईआरटी में डिसेंट्री नाम से है, डिवीजन नहीं है बैसिलरी या अमीबिक, तो ये बैसिलरी डिसेंट्री है और इसका कास्टिव एजेंट हमने आपको सिगेला बताया। इसके बाद अब आप आइए वायरल डिजीज, बैक्टीरियल के बाद वायरल। वायरल डिजीज दूसरे नंबर पे है। वायरल डिजीज में आपके कोर्स में कौन कौन बीमारियां हैं पहले तो यही जाने। इसमें कॉमन कोल्ड है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन AIPMT नीट में इस पर सवाल पूछा गया मैचिंग में, इसलिए हम इसको ले आए हैं, और हेपेटाइटिस बी है, और एड्स है। ये पांच बीमारियां आपको पढ़नी है, पांच से छठवीं नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा सवाल नीट में नहीं आते हैं। तो एक एक करके चलो लेते हैं। पहला है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का जो कास्टिव एजेंट है वो है राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड के बारे में आप सब परिचित हैं, कितनी ज्यादा ये बीमारी होती है, कितनी ज्यादा इन्फेक्टिव है। आजकल जो कोरोना वायरस हो रहा है वो भी कॉमन कोल्ड वायरस का ही वेरिएंट है, कोरोना कोई अलग से नहीं है, कॉमन कोल्ड वायरस का ही वेरिएंट कोरोना है। तो ये कॉमन कोल्ड का कास्टिव एजेंट राइनो वायरस है, और कॉमन कोल्ड फलता कैसे, ध्यान रखना, ड्रॉपलेट से, मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट है। हमको हुआ है, आपको हुआ है, घर में किसी एक को हुआ है, वो खांसता है, छींकता है, तो जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो अगर दूसरे के पास जा रहे हैं, दूसरा उसको इनहेल कर रहा है, तो कॉमन कोल्ड होगा। यही बात आपने कोरोना में भी देखी है, कोरोना में भी मोड ऑफ इन्फेक्शन यही है, एरोसॉल ड्रॉपलेट। कल को नीट में कोरोना का मोड ऑफ इन्फेक्शन आ जाए तो आप गलती मत करिएगा, कोरोना भी वायरल डिजीज है, हमने यहाँ लिखा नहीं। अगर आप यहाँ लेटेस्ट में सवाल करके कोरोना लिख ले कोई दिक्कत नहीं है। कोविड 19 आप बार बार पेपर में पढ़ते हैं तो इसका तो अंदाजा आपको रोज पेपर में पढ़ रहे होगा ही, तो ये भी वायरल ही हुआ। तो कॉमन कोल्ड का कास्टिव एजेंट राइनो वायरस है बेटा, मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट है। ड्रॉपलेट में क्या होगा, वो वायरस होगा और सलाइवा होगा, वायरस और सलाइवा। जैसे बैक्टीरियल डिजीज का भी तमाम मोड ऑफ इन्फेक्शन, जैसे टीबी, उसका भी मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट है। तो ड्रॉपलेट में क्या होता है, पैथोजन और सलाइवा, इसी को कहते हैं ड्रॉपलेट। और कॉमन कोल्ड के सिम्टम हमें नहीं बताने हैं, उन सिम्टम पे ध्यान दीजिए जो आपके किताब में लिखे हैं। जैसे नेजल कंजेशन होता है, आपकी नाक जमती है, फिर नाक बहती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, गले में खराश हो जाती है, तो एनसीईआरटी ने उसको सोर थ्रोट लिखा है, SORETHROAT, गले में खराश हो जाती है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज आपकी बदल जाती है, आवाज भारी हो जाती है, आवाज बैठ जाती है, फीवर होता है, ये सारे सिम्टम कॉमन कोल्ड के हैं। तो कॉमन कोल्ड में बस इतना ही, और उसके बाद अगला है डेंगू। डेंगू का जो कास्टिव एजेंट है वो है अरबोवायरस।
डेंगू का कास्टिव एजेंट अर्बो वायरस, ध्यान रखें। फैलता कैसे है? बाय बाइटिंग ऑफ, मोड ऑफ इंफेक्शन इसका क्या है? बाय बाइटिंग ऑफ एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा क्लास का है। एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के ऊपर इसका वायरस है, इसके अंदर इसका वायरस पलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय बाइटिंग ऑफ एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, इसी को टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, बहुत बड़ा मच्छर ये होता है। तो ये डेंगू ध्यान रखना, डेंगू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रेक बोन फीवर, या इसी को हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। अगर आपको यह पता चल गया कि डेंगू को ब्रेक बोन फीवर या हेमरेजिक फीवर कहते हैं, तो इसके सिम्टम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और इसका हैबिटेट कहाँ है? आपका ब्लड है, इसका हैबिटेट ब्लड है। ये वायरस किस पार्ट को इफेक्ट करता है आपके बॉडी में? इसका हैबिटेट ब्लड है, ये ब्लड पे, ब्लड को नुकसान करता है, ब्लड के ऊपर अपना काम करता है। तो डेंगू का कास्टिव एजेंट अर्बो वायरस, डेंगू को ब्रेक बोन फीवर या हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। कास्टिव एजेंट अर्बो वायरस फैलता कैसे है? बाय बाइटिंग ऑफ एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, या इसी को आप टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। और डेंगू के सिम्टम क्या है? तो अभी हमने बताया कि डेंगू को ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, तो हड्डियों में, बोन में पेन इन ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन होता है। और हेमरेजिक फीवर, डेंगू का सीजन अभी है, अब ये बात अलग है, कोरोना के चक्कर में लोग भूल गए हैं डेंगू को। तो डेंगू में क्या होता है, आपने सुना होगा बॉडी में जगह जगह हेमरेजिक स्पॉट आ जाते हैं, लगता है ब्लीडिंग हो जाएगी, तो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन ऑन द बॉडी। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखें, ये दो ही सिम्टम आप ध्यान में रखें, पेन इन ज्वाइंट एंड हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन इन द बॉडी। और यहाँ ये आप ध्यान रखें, आपने अक्सर सुना होगा कि डेंगू में हालांकि प्लेटलेट्स टेस्ट हुआ है, तो प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट्स का आपकी बॉडी में नॉर्मल नंबर क्या है? 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ब्लड। तो यहाँ प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, आपने सुना होगा किसी का 8,000 5,000 तक हो गया और डेथ हो गई। और डेंगू के लिए जो टेस्ट आता है, वो नाम भी जाने, उसको कहते हैं टार्निक्वेट टेस्ट। आपको सिर्फ नाम जानना है, डेंगू के लिए जो टेस्ट है वो टार्निक्वेट टेस्ट है। और डेंगू के बाद आगे चिकनगुनिया है। देखो, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के काटने से फैलते हैं, यानी दोनों के वायरस इस मच्छर पे पलते हैं, लेकिन वायरस अलग अलग है। डेंगू का कास्टिव एजेंट अर्बो वायरस, चिकनगुनिया का जो कास्टिव एजेंट है वो अल्फा वायरस, चिकनगुनिया का जो कास्टिव एजेंट है वो अल्फा वायरस है, ध्यान रखिएगा। और मोड ऑफ इंफेक्शन सेम है, बाय बाइटिंग ऑफ एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, सेम है। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, तीन होते हैं, तीनों का ही मोड ऑफ इंफेक्शन बाय बाइटिंग ऑफ एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। बट येलो फीवर आपके कोर्स में है नहीं, चिकनगुनिया हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को नीट ने मैचिंग में पूछा। और जो सिम्टम डेंगू में होते हैं वही चिकनगुनिया में होते हैं, लेकिन सिम्टम कम सीवियर होते हैं। तो फिर आप कहोगे कि सर ये जब दोनों में सेम सिम्टम होते हैं तो पहचाना कैसे जाए? तो आप एज ए डॉक्टर, जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप कैसे इसको पहचानोगे? चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स काउंट कम नहीं होता, 80,000 या 1,00,000 के नीचे किसी कीमत पर आता ही नहीं, इसीलिए चिकनगुनिया जो है वो इतनी डेंजरस नहीं है जितना कि डेंगू। आपको पता है डेंगू जानलेवा है, लेकिन चिकनगुनिया इतनी डेंजरस नहीं। तो ये डेंगू और चिकनगुनिया हो गया। इसके बाद हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस बी का जो कास्टिव एजेंट है वो हिपेटाइटिस बी वायरस है, इसको कहते हैं HBV। अब ध्यान रखना, ये हिपेटाइटिस बी और एड्स, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। जैसे अभी अभी आप बैक्टीरियल पढ़ के आए हो कि बैक्टीरियल में सिफिलिस और गोनोरिया, वैसे हिपेटाइटिस बी और एड्स, इनका जो मोड ऑफ इंफेक्शन है वो तीन तरह से होता है, लेकिन मोड ऑफ इंफेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी है, इसलिए इनको भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आप काउंट करेंगे। तो जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बैक्टीरियल आपने पढ़ा, वैसे ही वायरल में हिपेटाइटिस बी और एड्स। अब हिपेटाइटिस बी का कास्टिव एजेंट हिपेटाइटिस बी वायरस, ध्यान रखिएगा,
और चूंकि और इसका मोड ऑफ इंफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसे फैलता है मोड ऑफ इंफेक्शन, तो जो मोड ऑफ इंफेक्शन एचआईवी का है, एड्स का है, वही सेम मोड ऑफ इंफेक्शन हेपेटाइटिस बी का है, दोनों में फर्क नहीं है। दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, दोनों का मोड ऑफ इंफेक्शन तीन तरह से होता है। पहला है, देखो पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसीलिए मोड ऑफ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में है। दूसरा है ब्लड कॉन्टैक्ट, किसी को हेपेटाइटिस बी हो किसी को एड्स हो, अगर उसका ब्लड किसी और के संपर्क में आया, संपर्क आने का कारण कुछ भी हो, ट्रांसफ्यूजन हो कुछ भी हो, तो निश्चित रूप से जिस जो भी संपर्क में आ रहा है उसको ये बात होने वाली है। और तीसरा है मदर टू चाइल्ड बाय प्लासेंटा, अगर माँ में हेपेटाइटिस बी है या माँ एचआईवी पॉजिटिव है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे बच्चों को हेपेटाइटिस बी या एचआईवी होने जा रहा है, बट हम आगे क्वेश्चन बताएंगे भी कि अगर माँ एचआईवी पॉजिटिव है तो बच्चे में भी एचआईवी पॉजिटिव होने की निश्चित रूप से संभावना है। कितनी संभावना है अभी हम आगे बता रहे हैं, 33% प्रोबेबिलिटी। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई माँ एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके सारे बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। दोनों को साथ में रख के तो आप फिर से सुन लें, हेपेटाइटिस बी एक तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया वायरल, कास्टिव एजेंट एचबीवी, मोड ऑफ इंफेक्शन ये तीन हो गए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड कॉन्टैक्ट एंड मदर टू चाइल्ड बाय प्लासेंटा। और हेपेटाइटिस कई तरह की होती है, ए बी सी डी ई आपने पढ़ा होगा। यहाँ जिस हेपेटाइटिस को आपको पढ़ना है, हेपेटाइटिस ए एक बरसाती पीलिया होती है, सीजनल पीलिया, सबके कास्टिव एजेंट वायरस है, बट हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इसको रखा जाता है, बाकी और को नहीं रखा जाता, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पर आपसे सवाल आते हैं। और सिम्टम जितने हेपेटाइटिस में हर तरह की पीलिया में सिम्टम वही होते हैं, बट हेपेटाइटिस बी बहुत ज्यादा सीवियर होता जाता है, और चूंकि इसका वायरस जल्दी बॉडी से निकलता नहीं, अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें बेटा तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस था, ऐसा माना जाता था कि मोर डेंजरस देन एड्स, ज्यादा बहुत ज्यादा डेथ हुआ करती थी, बट अब इसकी इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं, इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं कि हेपेटाइटिस बी का वायरस जल्दी बॉडी से तो नहीं निकलता है, लेकिन दवाइयां हैं तो इसलिए आदमी पूरी लाइफ ठीक रहता है, अच्छी दवाइयां इसकी आ गई। बट ये जरूर ध्यान रखें हेपेटाइटिस बी का वायरस कैरियर स्टेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है बॉडी, बहुत लंबे समय तक। और इसके लिए जो टेस्ट आपको याद होता है, जो डॉक्टर टेस्ट लिखता है, उसी पे आप ध्यान रखें, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट HBSAG। हेपेटाइटिस बी के लिए जो टेस्ट है उसका नाम है HBSAG टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, इसी को ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोला जाता है, इसी को आप बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। तो डॉक्टर के पास जब आप टेस्ट कराने जाते हो, अगर किसी को बाय चांस हेपेटाइटिस बी का संदेह हुआ तो डॉक्टर सीधा लिखता है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट। और अब वायरल डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज आई है लास्ट, एड्स। अब आप एड्स सुने, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुने एड्स। तो हर बच्चे को एड्स का फुल फॉर्म पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं AID प्लस यस, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। आप सबको पता है इस बीमारी में हमारी आपकी इम्यूनिटी जिसको भी हुआ है बहुत कम हो जाती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। आप पढ़ते हैं इम्यूनिटी दो तरह की होती है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। यहाँ कंजेनाइटल की बात नहीं हो रही, इम्यूनिटी हम इसी टॉपिक में पढ़ाएंगे, इम्यूनिटी दो तरह की, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक्वायर्ड में भी आप पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो एड्स का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम प्लस ग्रुप ऑफ सिम्टम। एड्स कोई अपने आप में अकेली बीमारी नहीं है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, सिंड्रोम, इसीलिए इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहली बात,
दूसरी बात इसका कास्टिव एजेंट, तो कास्टिव एजेंट आपको पता है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी। ये भी ध्यान रखें एचआईवी दो तरह का होता है, एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकंड। ये दो तरह का होता है एचआईवी फर्स्ट और एचआईवी सेकंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने इंडिया में कौन कौन वाला एचआईवी कॉमन है तो फर्स्ट एचआईवी फर्स्ट, यूरोप में, इंडिया में, अमेरिका में, इट इज कॉमन इन अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, ध्यान रखना। और एचआईवी सेकंड अफ्रीका में ज्यादा कॉमन है। तो एचआईवी दो तरह का, एचआईवी फर्स्ट और सेकंड। यहाँ ये क्वेश्चन बन रहा है कि अपने देश में कौन वाला एचआईवी कॉमन है, एचआईवी फर्स्ट। और एचआईवी को खोजा था ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने, इसको खोजा है ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने, डिस्कवर्ड बाय ल्यूक मॉन्टेग्नियर। और ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा फैटल डिजीज है, बहुत ज्यादा ड्रीडेड डिजीज है, बहुत ज्यादा फैटल डिजीज है, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका मोड ऑफ इंफेक्शन देखें, मोड ऑफ इंफेक्शन वही मोड ऑफ इंफेक्शन जो अभी अभी आपने हेपेटाइटिस बी का पढ़ा है, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट एंड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। तो इसका मोड ऑफ इंफेक्शन सेम, यानी हेपेटाइटिस बी और एड्स का सेम मोड ऑफ इंफेक्शन है। तो ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में रखते हैं। और इस पर यहां पर आपको इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्यूबेशन पीरियड आपने किताब में अपने पढ़ा होगा, फ्यू मंथ टू मेनी ईयर। एनसीईआरटी पहले ये लिखती है कि एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो फ्यू मंथ टू मेनी ईयर, और फिर ब्रैकेट में लिखती है यूजुअली 5 to 10 years। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप क्या दोगे? अगर आपसे एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जा रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन आपके आगे क्या होगा? फ्यू मंथ टू मेनी ईयर। लेकिन ज्यादातर ये किस उम्र, किस इसका क्या है, जो जो एक एवरेज उन्होंने निकाला वो ब्रैकेट में लिख दिया 5 to 10 years। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और नेक्स्ट ध्यान रखना, अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एड्स डे वो 1st December है, तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता है कि 1st December को एड्स डे होता है। और एड्स का जो सिंबल है फोल्डेड रेड रिबन, ये एड्स का सिंबल है। तो एड्स का, एड्स बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझने की कोशिश करिए। एड्स का सिंबल है फोल्डेड रेड रिबन, एड्स डे 1st December। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी प्लस ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम प्लस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, तमाम बीमारियों का यह समूह है, कोई अकेली बीमारी नहीं। कास्टिव एजेंट मैंने आपको बताया एचआईवी, और ये दो तरह का होता है। यहाँ ये भी आपने पढ़ा कि इंडिया में कौन सा एचआईवी कॉमन है, एचआईवी फर्स्ट। किसने खोजा एचआईवी को? ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने खोजा। मोड ऑफ इंफेक्शन क्या है? सीधी सी बात, वही मोड ऑफ इंफेक्शन है जो हेपेटाइटिस का भी है, यानी ब्लड कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड कॉन्टैक्ट एंड मदर टू चाइल्ड बाई प्लासेंटा। और इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया, आप फर्स्ट ऑप्शन में क्या देंगे? फ्यू मंथ टू मेनी ईयर, यूजुअली 5 to 10 years। अब आगे ध्यान रखिएगा, जो एड्स वायरस है, जो एड्स वायरस है, जो एचआईवी है, वो स्लो अटैकिंग वायरस है, और स्लो अटैकिंग वायरस को लेंटी वायरस कहा जाता है। ऐसे वायरस जो बहुत धीरे धीरे अटैक करते हैं उनको लेंटी वायरस कहा जाता है। कैसे अटैक करता है इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। बॉडी में जब जाता है तो सबसे पहले आपको पता है जो एड्स वायरस है वो आरएनए वायरस है। एड्स वायरस क्या है? ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ये आरएनए वायरस है, आरएनए जीनोम इसमें है, यानी दैट इज आरएनए वायरस। जैसे ही ये बॉडी में जाएगा ये पहले किसको? मैक्रोफेजेस को अटैक करता है। मैक्रोफेजेस तो आपको पता है, मैक्रोफेजेस सेल पता है कि नहीं? आपको पता है कि जो दो मोनोसाइट होती है, मैक्रोफेजेज आपको हमेशा टिश्यू फ्लूइड में मिलेंगी, ब्लड में बहुत कम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो जो दो मोनोसाइट होती है वही फ्यूज करके मैक्रोसाइट या मैक्रोफेजेज बनाती है, और मैक्रोसाइट या मैक्रोफेजेज हमेशा टिश्यू फ्लूइड में मिलते हैं, ब्लड में नहीं मिलते हैं।
तो बॉडी में जाने के बाद एड्स एचआईवी क्या करता है, ये मैक्रोफेजस पे अटैक करता है और उसके अंदर जा करके पहले जो वायरल आरएनए है वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट होता है। सबसे पहला काम यही है कि अपना रूप बदल लेता है, तभी तो इसकी वैक्सीन अभी तक बहुत ज्यादा नहीं सफल हुई, सफल ही नहीं हुई कह सकते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू बॉडी, बॉडी में जाने के बाद ये मैक्रोफेजेस पे अटैक करेगा। मैक्रोफेजेस मतलब दो मोनोसाइट फ्यूज करके मैक्रोफेजेस बनाती है, ध्यान रखना। और मैक्रोफेजेस पे अटैक करने में के अंदर जाते ही पहला काम क्या होगा, यहाँ जो वायरल जीनोम है, जो आरएनए जीनोम है, वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट होगा। और वायरल आरएनए वायरल डीएनए में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, ये भी ध्यान रखें, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो पहला काम यही है एचआईवी का कि बॉडी में जब गया ये आरएनए वायरस है तो यहाँ आरएनए जीनोम डीएनए में कन्वर्ट होगा, और डीएनए में कन्वर्ट होगा यानी वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन भी है। अब क्या होगा, अब शॉर्ट में बोलेंगे ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। अब ये होस्ट सेल यानी मैक्रोफेजेस पे अटैक कर रहा है और अभी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाएगा, और जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तब ये हेल्पर टी सेल पे अटैक करता है। आपको पता है टी सेल यानी को T4 सेल कहते हैं। तब ये हेल्पर टी सेल, अभी इसी टॉपिक में बताएंगे, टी सेल तीन तरह की होती है, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, ये तीन तरह की सेल होती है जो आपको बताया जाएगा। तो अब ये पहले तो मैक्रोफेजेस में गया, वहां अपना रूप बदला, वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हुआ। एनसीईआरटी में बाकायदे इसका डायग्राम दिया हुआ, प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जरूर आप उसको देखें। और उसके बाद इसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, फिर इसने हेल्पर टी सेल यानी टी सेल को T4 सेल भी कहते हैं, इस पर अटैक किया और फिर धीरे धीरे इनका नंबर बहुत कम कर देता है। तो जब इनका नंबर कम कर देता है तो आप इम्यूनिटी पढ़े हैं थोड़ा बहुत, आप जानते होंगे जो टी सेल है वो इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा एक्टिव इम्यूनिटी का 60-70% पार्ट बनाती है। तो आदमी धीरे धीरे इतना इम्यून डिफिशियंट हो जाता है कि उसको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, बहुत सारे बीमारियां या वायरस बैक्टीरिया तमाम सब उसको अटैक करने लगते हैं, तो वो फिर खतरनाक वाली स्टेज हो जाती है। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब आप इसके सिम्टम समझें। एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया है, लेकिन एड्स के सिम्टम तीन स्टेप में आते हैं, एड्स के सिम्टम तीन स्टेप में आते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है वो है विंडो फेज, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो विंडो फेज है। हम आपको बता दें कि विंडो फेज पर एम्स ने सवाल पहले पूछा, विंडो फेज का मतलब इस फेज में कोई सिम्टम अपीयर नहीं होते हैं, ये लेटेंट फेज है, ध्यान रखना, इस फेज में कोई स्पेसिफिक सिम्टम अपीयर नहीं होते। आपको सिर्फ इतने ध्यान रखना है वायरस तो आ गया है, स्लो अटैकिंग वायरस है एचआईवी, लेंटी वायरस है, तो धीरे धीरे अटैक करता है, तो इस फेज में कोई खास सिम्टम नहीं आते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी फेज है एआरसी फेज, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स फेज, एआरसी फेज को कहते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स फेज। इसमें क्या होता है, सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे इस पे क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज माइल्डर फॉर्म ऑफ इट, तो विंडो फेज में तो सिम्टम आए ही नहीं, तो माइल्डर फॉर्म यही है, जिसको आप बीच में पढ़ रहे हो वो मॉडरेट नहीं वो माइल्डर है, तो ये माइल्डर फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का माइल्डर फॉर्म है। इसमें पेशेंट को बुखार आना शुरू होगा, बुखार बढ़ता जाएगा, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होगा, क्योंकि ये लिम्फ नोड पे तो अटैक करेगा ही करेगा, सारे बॉडी के जितना इम्यून सिस्टम है सबको धीरे धीरे खराब कर रहा है। तो ये सब सारे सिम्टम नजर आएंगे, बाउट्स ऑफ फीवर होगा, फीवर आएगा जाएगा ठीक नहीं होगा, फीवर आएगा जाएगा, पेशेंट कंप्लेंट करेगा मुझे बुखार है, डॉक्टर ने दवा दिया, फीवर चला गया लेकिन ये आता रहेगा, डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ये बहुत सारे सिम्टम एआरसी में आते हैं। आपको सिर्फ इतना जानना है कि इट इज माइल्डर फॉर्म ऑफ इट। और इसके बाद तीसरा जो फेज होता है वो फुल ब्लाउन फेज होता है, फुल ब्लाउन फेज, फुल ब्लाउन फेज का मतलब अब इसमें कोई दवा काम नहीं करेगी, बहुत सारी बीमारियां अटैक करेंगी,
पेशेंट को टीबी हो जाएगी, पेशेंट को हर्पीज हो जाएगा, बहुत सारे फंगल इंफेक्शन हो जाएंगे, पेशेंट को कैंसर तक हो जाता है जिसको कपोसी सार्कोमा कहते हैं। एड्स में कैंसर तक हो जाता है जिसको कपोसी सार्कोमा कहते हैं, कैंसर ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड कपोसी सार्कोमा। तो बहुत सारी बीमारियां इस फेज में हो जाती हैं। पेशेंट इतना इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है कि वो अपने को अब इन बीमारियों से बचा नहीं सकता है, दवाइयां कोई काम नहीं करती। और तो अगर ये सिम्टम आपको समझ में आ गया हो तो लास्ट में टेस्ट भी ध्यान रखें, टेस्ट हमको पहले बताना चाहिए था। यहां पर एड्स के लिए कौन सा टेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे टेस्ट हैं, कोई एक बच्चा कोई एक टेस्ट का नाम लिखे। एक बच्चा कोई एक कोई टेस्ट का नाम लिख सकता है? नहीं लिखा आपने? इसका जो बेहतरीन टेस्ट है वो एलाइजा टेस्ट है। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। आपको सिर्फ इसी टेस्ट के बारे में जानना है, एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाता है। अगर एचआईवी है तो एंटीजन है, वायरस है तो एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। हाँ, आप में से किसी बच्चे ने लिखा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेरी गुड। एलाइजा टेस्ट ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपने किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये टेस्टिंग ऑफ एंटीबॉडी, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ध्यान रखना। एलाइजा टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट है। बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में पेशेंट जा रहा है तो एलाइजा ही उसका होता है, तो वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट, ध्यान रखेंगे। और इसमें एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, बस टेस्ट ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। तो ये है एचआईवी का टेस्ट, और उसके बाद एचआईवी का ट्रीटमेंट ध्यान में रखें। कोई दवा, जितनी दवाएं हैं जो चीफ ड्रग हैं, चीफ ड्रग आपको नहीं पढ़ना है। इसमें एक दवा आज तक पूछी गई, एजेडटी, एजाइडोथायमिडीन, एजेडटी, एजाइडोथायमिडीन, डाइडायक्सिनोसिन, फॉस्कार्नेट, देयर आर सो मेनी मेडिसिन। आप डॉक्टर बनिए तो आप इन चीजों को पढ़िए, बट बेसिक के तौर पर एक दवा आप याद रख सकते हैं, एजेडटी, एजाइडोथायमिडीन। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी दवाएं हैं वो एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट की लाइफ को बढ़ा दे रही है। आजकल तो इतनी अच्छी दवाएं आ रही हैं कि 15-15, 20-20 साल आगे बहुत लाइफ लोगों की चल जा रही है, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं। तो जितनी दवाएं हैं वो एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट की एज को बढ़ा दे रही हैं, डेथ नहीं डाल सकती, डेथ अनएविटेबल है, ध्यान रखना। एड्स को डेथ वारंट कहते ही है, इसको स्लिम डिजीज भी कहा जाता है, आदमी बहुत धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, तो एड्स को डेथ वारंट या स्लिम डिजीज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। जितनी दवाएं हैं दे प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ एचआईवी पेशेंट, डेथ नहीं टाल सकती है, ये अनएविटेबल है, ये अपरिहार्य है, डेथ होना ही होना उसकी वजह से। अभी तक जो भी दवाएं हैं उनका ये हिसाब किताब है। तो ये हमने आपको बैक्टीरियल के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज पढ़ा दी, और अब आपको समझ में आ गया होगा हमने क्यों कहा था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन है। तो बैक्टीरियल में आपने सिफिलिस गोनोरिया पढ़ लिया, वायरल में आपने हेपेटाइटिस बी पढ़ लिया, एड्स पढ़ लिया, वायरल में हर्पीज भी आता है। ये अभी हम आगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सारी डिजीज जितना एनसीईआरटी में लिखी हमने शुरू में भी बताया, अभी एक बार फिर हम आपको बोल देंगे। तो अब बैक्टीरियल वायरल के बाद अब तीसरी है फंगल। फंगल डिजीज के बारे में अभी तक आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन
फंगल डिजीज के बारे में अभी आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उतना आपको पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दिया है। तो जरा ध्यान दो, ये किताब आपकी क्या कह रहे हैं, किताब कह रहे मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा, ये स्पीसीज नहीं बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बोल रही है जेनरा। तो मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, काजेज रिंगवर्म इंफेक्शन, काजेज रिंगवर्म इंफेक्शन। आजकल गर्मी आ रही है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बॉडी पर यहां ग्रोइन में कहीं रिंगवर्म हो जाता है। तो अगर हम समझने समझाने की बात अगर आप करते हैं कि आपको किस लेवल पे सवाल आता है, तो जरा ध्यान से सुने क्या एनसीईआरटी लिख रही है, क्या आपको समझना है। किताब लिख रही है मेनी फंजाई, सेम लाइन है, बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन काजेज रिंगवर्म इंफेक्शन। तो रिंगवर्म का जब कास्टिव एजेंट पूछा जाएगा तो बहुत सारे फंजाई हैं जो इन तीन जेनरा से बिलोंग करते हैं, और ये तीन जेनरा के नाम आप याद रखें, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। तो कास्टिव एजेंट ये हो गया, ये जेनरा है। इसके बाद मोड ऑफ इंफेक्शन, फैलता कैसे है, तो ये भी आपके किताब में लिखा है कि रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल, मिट्टी से, गंदी मिट्टी से, दे आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल, मिट्टी से ये फैलता है, मिट्टी में इस तरह के वायरस हैं मिले हुए हैं, तो इट इज जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल। लेकिन अगर किसी को हो गया, अगर किसी को हो गया, आपने उसके टॉवल इस्तेमाल कर लिया, आपने उसके कपड़े इस्तेमाल कर लिए, तो निश्चित रूप से वो आपको भी होने वाला है। तो जो बेसिक मोड है इंफेक्शन का वो तो सॉयल है, रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉयल। लेकिन अगर आप किसी पेशेंट को हो गया है, अक्सर होता है ना कि छोटे भाई का कपड़ा बड़े भाई ने पहन लिया है, या बड़े भाई का कपड़ा एज में एक दो साल का गैप पे छोटे भाई ने पहन लिया है, तो अगर छोटे भाई को हो गया, बड़े भाई को हो गया और कपड़ा आपने चेंज कर लिया, तो प्रसाद मिलने वाला है, ये तय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, तो ये सॉयल बॉर्न डिजीज है, ये वायरस, ये जो फंगस है, ये सारी वायरस नहीं फंगस, ये सॉयल में है। लेकिन जिसको हो गया है, उसका आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंडरगारमेंट इस्तेमाल, कोई भी उसके टॉवल इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में अक्सर ऐसा होता है एक ही टॉवल से चार लोग नहाने जा रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम होने वाली है, घर भर में होने वाली है। और तीसरा अगर कुछ यहां पर है, तो इसके सिम्टम, रिंगवर्म के सिम्टम क्या होंगे, बॉडी में कहीं भी रिंगवर्म होगा तो वहां पर ड्राई और स्केली लिजन आते हैं, आपको इतने पढ़ना है, सूखे सूखे ऐसे आप निकाल निकाल करके आदमी फेंकता रहता है, तो ड्राई और स्केली लिजन आते हैं और इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, यही सिम्टम आपको याद रखने हैं, ड्राई एंड स्केली लिजन एंड इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होती है अफेक्टेड एरिया पर। लेकिन ये जितनी बातें हमने आपको बता दी बेटा, उसमें से अभी तक एआईपीएमटी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं, आगे नहीं पूछा जाएगा, आप नहीं बोल सकते हो, इसलिए आपको पढ़ना है। दो चीजें उन्होंने बहुत बढ़िया पूछी हैं सवालों में, एक तो एथलीट फूट, एथलीट होते हैं उनके पैरों में बहुत ज्यादा रिंगवर्म का इंफेक्शन होता है, तो एथलीट फूट को कहते हैं टीनिया पेडिस, ध्यान रखना, इसको कहते हैं टीनिया पेडिस, पेडिस का मतलब पैर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं, एथलीट फूट को टीनिया पेडिस कहते हैं, और हम आपको बताने जा रहे हैं इट इज कॉज बाय माइक्रोस्पोरम, ये माइक्रोस्पोरम इसका कास्टिव एजेंट है। और एक दूसरा बहुत ज्यादा पूछा जाता है रिंग वर्म ऑफ ग्रोइन, ग्रोइन का मतलब ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के आसपास का एरिया है, उसको आप ग्रोइन कहते हैं, बहुत ज्यादा यहां पर रिंगवर्म होता है, इसको कहा जाता है टीनिया क्रूरिस, इसको कहते हैं टीनिया क्रूरिस, रिंगवर्म ऑफ ग्रोइन को कहा जाता है टीनिया क्रूरिस। और इट इज कॉज बाय स्पीसीज ऑफ ट्राइकोफाइटन,
एनसीईआरटी में इतना नहीं है, दो हमने आपको एडिशनल बताया, ध्यान रखिए एनसीईआरटी में तो इतना ही है जितना बता दिया, लेकिन सवालों में अब तक आपसे एथलीट फुट और रिंग वर्म आप ग्रोइन पूछा गया है, और सिर्फ इतना पूछा गया है कि इनको कहते क्या है, तो रिंग एथलीट फुट को टीनिया पेडिस और रिंग वर्म आप ग्रोइन को टीनिया क्रूरिस कहते हैं, ये दोनों आप ध्यान रखेगा। ध्यान रखना नेल में भी होता है, इसको टीनिया एंगुइन कहते हैं, बॉडी में भी होता है, इसको टीनिया कार्पोरिस कहते हैं, ये तो आपका पढ़ना जब डॉक्टर बनना है, इसको एडिशनल इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दो चीजें आप ध्यान में रखें। तो ये बैक्टीरियल वायरल और फंगल डिजीज आज आपने पढ़ा। अब चौथी पे आइए, प्रोटोजोअल, चौथा 10 मिनट का टाइम है, प्रोटोजोअल। फंगल के बाद आपको पढ़ना है बेटा प्रोटोजोअल, और प्रोटोजोअल में जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कंसंट्रेट होके सुने, मलेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, प्रोटोजोअल डिजीज में मलेरिया। तो सबसे पहले मलेरिया का कास्टिव एजेंट, इसको कौन फैलाता है, हर बच्चे को पता है प्लाज्मोडियम, हर बच्चे को पता है प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं, लेकिन इसकी 4 स्पीशीज मलेरिया फैलाती हैं, जिसमें 3 तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो वो चारों स्पीशीज कौन कौन मलेरिया फैलाती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये इट काज बेनाइन टर्सियन मलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बेनाइन का मतलब लोकलाइज्ड, जैसे आप पढ़ते हैं बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर, शनि प्रजापति जी समझ में आ रहा है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया का कास्टिव एजेंट बेटा, कास्टिव एजेंट प्लाज्मोडियम, आप प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नहीं बोलोगे, आप कहोगे प्लाज्मोडियम। इसकी बहुत सारी स्पीशीज है, लेकिन 4 स्पीशीज मलेरिया काज करती है, जिसमें पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इट काजेस बेनाइन टर्सियन मलेरिया, दूसरा है प्लाज्मोडियम ओव्यूली, इट काजेस माइल्ड टर्सियन मलेरिया, माइल्ड टर्सियन मलेरिया, तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये फैलाता है क्वार्टर मलेरिया, टर्सियन मतलब 3, क्वार्टर मतलब 4, चौथे दिन बुखार आता है, और चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये मैलिग्नेंट मलेरिया, इसी को सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, इसी को ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। तो ये बात आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि मलेरिया का कास्टिव एजेंट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, तो इसकी 4 स्पीशीज मलेरिया, 3 एनसीईआरटी में दी है, हमने चौथा सब लिखा है, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ध्यान रखना कि जो प्लाज्मोडियम है वो डाइजेनेटिक है, ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक का मतलब समझते हैं, जिसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए केवल एक होस्ट की जरूरत हो वो मोनोजेनेटिक है, और जिसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत है वो डाइजेनेटिक है। तो डाइजेनेटिक में प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट आते हैं, और ध्यान रखना प्राइमरी होस्ट को डेफिनेटिव होस्ट कहा जाता है, सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट भी कहा जाता है। कोई जरूरी नहीं आपसे प्राइमरी होस्ट पूछा जाए, पूछेंगे इसका डेफिनेटिव होस्ट क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है, यानी इंटरमीडिएट होस्ट क्या है। तो प्राइमरी होस्ट ध्यान रखना इसका मॉस्किटो है, प्राइमरी होस्ट, गलती से ये ना कर देना प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो ये गलत है, इसका प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है। प्राइमरी होस्ट उसको कहते हैं जहां सेक्सुअल फेज कंप्लीट होती है, तो मॉस्किटो में सेक्सुअल फेज कंप्लीट होती है इसकी, इसलिए प्राइमरी होस्ट क्या है, मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो, एनोफ्लीज, कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज,
महिला बीमारी फैला रही है, पुरुष मच्छर नहीं, महिला मच्छर बीमारी फैला रही, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका कास्टिव एजेंट फीमेल होना प्लीज, मेल गलती से नहीं कर देना, पुरुष मच्छर नहीं महिला मच्छर, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो तो ह्यूमन है ही, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगली बात सुनो, 5 मिनट का आपके पास टाइम है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको ये बता दिया कास्टिव एजेंट और इसका डाइजेंटिक, ये सारी चीजें। नेक्स्ट बात आप ध्यान से सुने, इसकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेज होती है, एसेक्सुअल फेज और सेक्सुअल फेज। आपको पता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। तो एसेक्सुअल फेज ये साइजोगोनी और गैमेटोगोनी इसको कहते हैं, जहां साइजांट बनते हैं गैमेट बनते हैं। तो ये सेक्सुअल फेज ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होती है लिवर और आरबीसी में, और जो सेक्सुअल फेज होती है वो मच्छर में कंप्लीट होती है। तो जहां सेक्सुअल फेज कंप्लीट होती है उसी को प्राइमरी होस्ट कहते हैं, आज के बाद ये ध्यान रखना, प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट उसी को कहा जाएगा। तो इसकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेज है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज। एसेक्सुअल फेज आकर्ष बाय द प्रोसेस कॉल्ड साइजोगोनी एंड गैमेटोगोनी, ये कहां कंप्लीट होती है ह्यूमन में, और सेक्सुअल फेज स्पोरोगोनी जिसमें स्पोरोजॉइट बनते हैं वो मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। अब जरा ध्यान दो, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ, मच्छर ने आदमी को काटा तो ब्लड मील लेने के लिए काटा है, खून चूसने के लिए सलाइवा के माध्यम से उसने स्पोरोजॉइट को इंजेक्ट कर दिया, स्पोरोजॉइट। तो ये स्पोरोजॉइट मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में रहता है। तो अब ये पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजॉइट, व्हाट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन प्लाज्मोडियम के लिए, स्पोरोजॉइट। अब अगला बात ध्यान दो, अलग अलग मलेरिया अलग अलग चार तरह के हैं, चारों की लाइफ साइकिल हो सकता है, आपने किसी ने आपको बहुत ज्यादा बता दिया अलग अलग, लेकिन यहाँ आपको उस पर ध्यान देना है जो एनसीईआरटी में है। अभी स्पोरोजॉइट क्या जाएगा, लिवर सेल के अंदर जाएगा, लिवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, लिवर सेल बर्स्ट होंगी और वहां बनेगा साइजॉइंट, साइजोजॉइट। अभी अभी मैंने आपको बताया सेक्सुअल फेज लिवर और आरबीसी में होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड साइजोगोनी एंड गैमेटोगोनी। तो सबसे पहले ये ब्लड मच्छर ने काटा आदमी को, स्पोरोजॉइट इंजेक्ट कर दिया, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट हो गई, स्पोरोजॉइट ब्लड के थ्रू लिवर में पहुंचा, वहां मल्टीप्लाई करेगा, वहां ये साइजो लिवर सेल बर्स्ट करेगी और साइजॉइंट निकलेगा, साइजोजॉइंट, वहां से आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। आरबीसी को जब इन्फेक्ट करेगा तो ध्यान रखना वहां उनके अंदर जाकर के मल्टीप्लाई करेगा और वहां हीमोजोइन ग्रेन्यूल निकलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल है, और जो मलेरिया का पेशेंट कंप्लेंट करता है कि साहब हमें बुखार तीसरे चौथे दिन दूसरे दिन आ रहा है, वो इन्हीं हीमोजोइन ग्रेन्यूल की वजह से होता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल, चिल का मतलब जो बहुत ज्यादा ठंडक लगती है, आप कहते हो हमको एक रजाई बढ़ाओ, दो रजाई बढ़ाओ, दो कम्बल बढ़ाओ और ठंडक नहीं जाती है। तो आरबीसी के अंदर जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो हीमोजोइन ग्रेन्यूल, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल निकलेंगे एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल। अब जरा ध्यान देना, अब ये दूसरी नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा और उसके अंदर अब इसकी सेक्सुअल फेज शुरू होगी, अब वहां गैमीट बनेगी, माइक्रो और मैक्रो गैमीट बनेगी। तो माइक्रो और मैक्रो गैमीट यानी फीमेल और मेल गैमीट बन रहे हैं। अब क्या होगा, अगर आप ध्यान देंगे, अब इस आदमी को जो मलेरिया से इन्फेक्ट है, जब कोई दूसरा मच्छर काटेगा तो ब्लड मील से वो जो गैमीट है, जो मेल और फीमेल गैमीट है, उनको अपने अंदर कर लेगा, यानी वो दूसरे स्वस्थ आदमी के बॉडी में गए, सॉरी स्वस्थ आदमी नहीं, वो मच्छर की बॉडी में गए, मैंने गलत बोल दिया। जब मच्छर अब इस आदमी को कोई काटेगा, कोई भी मच्छर काटेगा तो ब्लड मील लेगा ना, तो ब्लड मील के साथ साथ जो गैमेटोसाइट है, जो मेल और फीमेल गैमीट है, वो पहुंचेंगे। साठ में आप जाने, बहुत ज्यादा यहाँ जाना नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में कहीं स्टमक वाल लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ, कहीं इंटेस्टाइन लिखा हुआ, जो लेटेस्ट आपकी एनसीईआरटी है वहां ये है, इसकी जो सेक्सुअल फेज होती है वो कंप्लीट होती है गट में, और गट का मतलब इंटेस्टाइन। तो इसकी सेक्सुअल फेज गट में कंप्लीट होगी, वहां पर मेल और फीमेल गैमेट, वहां फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, और भी कई स्टेजेज आती है उनको आपको नहीं जानना है, जायगोट से फाइनली स्पोरोजॉइट बनता है, ध्यान रखना, गट वाल में ही जायगोट से फाइनली स्पोरोजॉइट बनता है।
और स्पोरोजॉइट फिर मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाएगा और वो सलाइवरी ग्लैंड में जा करके वहां इकट्ठा हो जाएगा। अब ये मच्छर जब फिर किसी आदमी को काटेगा तो फिर वो स्पोरोजॉइट को आगे बढ़ा देगा। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि आप जितनी चीजें वहां पर हैं आप समझ गए होंगे। मलेरिया के बाद जो प्रोटोजोअल डिजीज आज हमें कम से कम फिनिश कर देना है, तो मलेरिया के बाद जो दूसरी डिजीज है वो है अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री अभी अभी हमने आपको बताया था कि डिसेंट्री दो तरह की होती है, बैसिलरी और अमीबिक। यहां बताने का सिर्फ पर्पज इतना है बच्चों कि आपको पहचान में आए कि बैसिलरी डिसेंट्री बैक्टीरियल है और अमीबिक डिसेंट्री ये प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है और इसका कास्टिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका कास्टिव एजेंट क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बैसिलरी डिसेंट्री का कास्टिव एजेंट क्या था? बैक्टीरिया था, दैट इज शिगेला। इसमें वही सिम्टम आते हैं जो बैसिलरी में आते हैं, लेकिन चूंकि ये बैक्टीरियल नहीं है तो फीवर नहीं होता और इसमें स्टूल के ऊपर ब्लड क्लाट के रूप में आता, हल्का हल्का ब्लड क्लाट के रूप में आता है। तो यहां पर ब्लड कम होता है लेकिन जो स्टूल होता है उसके ऊपर ब्लड के थक्के ऐसे जमे जमे ब्लड क्लाट आते हैं। तो ये है अमीबिक डिसेंट्री। और इसमें एक और बीमारी जाने जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस जिसका कास्टिव एजेंट है एंट अमीबा जिंजिवेलिस और इसका जो मोड ऑफ इंफेक्शन है वो इंफेक्टेड फूड है और किसिंग है। और इसमें जिंजिवाइटिस मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आता है, इसी को कहते हैं जिंजिवाइटिस। और एक लास्ट यहां पर बताएंगे आपको वेजाइनाइटिस। वेजाइनाइटिस को एनसीईआरटी में ट्राइकोमोनियासिस लिखा है। ट्राइकोमोनियासिस कहां पर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले केस में। तो वेजाइनाइटिस को ट्राइकोमोनियासिस भी कहते हैं। इसका कास्टिव एजेंट ही है ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस, इसीलिए इसको ट्राइकोमोनियासिस कहते हैं। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट, ध्यान रखना ये एसटीडी में आ रही है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोअल डिजीज हो गई। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हमने शुरू में बताया सिफिलिस, गोनोरिया, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडियासिस, इतना ही एनसीईआरटी में लिखी है, इतना ही तो आपको पढ़ना है। तो ट्राइकोमोनियासिस को ही वेजाइनाइटिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कास्टिव एजेंट ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस है। इसका कास्टिव एजेंट ही है जो प्रोटोजोअन है, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस है। और यहां जो सिम्टम आते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो हो ही गई, मोड ऑफ इंफेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। यहां जो सिम्टम आते हैं वो ये सिम्टम है, वेजाइना में इचिंग होती है, बर्निंग न्यूट्रिशन होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ये सारी चीजें होती है। तो ये इसके सिम्टम। तो ये आपको हमने आज कम्युनिकेबल डिजीज में बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोअल बताया। अभी हमें आपको हेलमेंथिक बताना है, नेक्स्ट टर्न पे हेलमेंथिक बताएंगे। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, इसमें मेरास्मस और पॉक्सवर्कर है, और फिर कैंसर बताएंगे। डिजीज दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। वैसे तो नॉन कम्युनिकेबल में बहुत सारी है, बट नॉन कम्युनिकेबल में हमको आपको प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन यानी मेरास्मस और पार्सी वर्कर वेरी इंपॉर्टेंट और कैंसर बताना। तो आज टाइम पूरा हो गया है, आज बंद करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है बेटा, थैंक यू।